है ना गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? इट्स अलाउ यूजर टू सेंड डेटा। सेंड डेटा का मतलब क्या होता है? आप ना डेटा को इनपुट कर सकते हो, डेटा होगा या कमांड्स होगी इसके थ्रू टू आर कंप्यूटर। आप जो इसकी एग्जाम्पल्स है उसमें जो सबसे पहली एग्जाम्पल है वो है कीबोर्ड। आप जो है ना आप कीबोर्ड के थ्रू टाइपिंग करते हो या आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है वो ना आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दे सकते हो। अब जो सेकंड टाइप है वो है माउस। अब माउस क्या होता है? वो पॉइंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है या क्लिकिंग के लिए या ड्रैगिंग के लिए। आपने कोई सी आइटम को ड्रैग करना है या क्लिक करना है या पॉइंट करना है वो आप माउस के थ्रू कर सकते हो। अब जो थर्ड टाइप है वो है स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है? इसमें ना फिजिकल डॉक्यूमेंट को ना डिजिटल फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया जाता है। मिसाल लेते हैं आपके पास एक पेपर है, उस पर आपकी ना कुछ डिटेल्स लिखी हैं, तो आप क्या होगा स्कैनर के थ्रू ना उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो फिजिकल डॉक्यूमेंट को। अब जो फोर्थ टाइप है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करती है? आपकी ना साउंड के इनपुट को कैप्चर करती है। मिसाल लेते हैं आपने कोई वॉइस रिकॉर्ड करनी हो तो आप जो है ना माइक्रोफोन के थ्रू कर सकते हो। अब इसमें फिफ्थ आ जाती है वो है वेबकैम। अब वेबकैम में क्या होता है? आप ना वीडियो जो है ना कैप्चर कर सकते हो। मिसाल लेते हैं आपने किसी को वीडियो कॉल करनी हो या कोई वीडियो बनानी हो तो आप जो है ना वो वेबकैम के थ्रू कर सकते हो। ये भी इनपुट डिवाइसेस में शामिल है। तो ये होती है इनपुट डिवाइसेस। मिसाल लेते कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और वेबकैम, इनके थ्रू क्या होता है आप ना इनपुट दे सकते हो। अब जो है ना आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। तो जो आउटपुट डिवाइसेस होती है ना वो ना डिस्प्ले करती है आउटपुट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। मिसाल लेते हैं आपने ना फॉर एग्जांपल इनपुट किया है तो वो प्रोसेस होगा तो वो कहाँ डिस्प्ले होगा? वो आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले होगा। उसमें मॉनिटर शामिल है या प्रिंटर शामिल है, उसको जो है ना आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस में जो सबसे पहले है ना वो है मॉनिटर। अब मॉनिटर में क्या होता है? आपको ना विजुअल आउटपुट डिस्प्ले होता है। मिसाल लेते हैं आपने ना कीबोर्ड से कुछ इनपुट किया तो वो कहाँ डिस्प्ले होगा? वो आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, इसलिए मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अब जो सेकंड है इसकी टाइप वो है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करते हैं? जो डिजिटल फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनकी फिजिकल कॉपी बनाता है। मिसाल लेते हैं आपने किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो आप प्रिंटर के थ्रू करोगे, प्रिंटर आपको उसका आउटपुट जो है ना प्रोड्यूस करके देगा। अब जो इसकी थर्ड टाइप है वो स्पीकर। स्पीकर में क्या होता है? आपको ना साउंड का आउटपुट सुनाई दे रहा होता है। मिसाल लेते हैं आपने कोई मूवी चलाई या सॉन्ग चलाया तो उसका जो आउटपुट आपको सुनाई देगा ना वो स्पीकर्स में सुनाई देगा, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अब जो फोर्थ टाइप है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में क्या होता है? आपको जो है ना विजुअल कंटेंट शो हो रहा होता है ऑन अ लार्जर स्क्रीन। बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, आपने यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में देखा होगा। अगर आप उसके साथ लैपटॉप कनेक्ट करते हो तो आपको बहुत बड़ी स्क्रीन पे जो है ना वो डिस्प्ले शो हो रहा होता है, इसलिए प्रोजेक्टर को भी ना आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अब जो इसकी फिफ्थ टाइप है वो है हेडफोन्स। वो भी आपको जो है ना ऑडियो का आउटपुट जो है ना प्रोवाइड करते हैं। आप जो है ना इसके थ्रू जो है ना सॉन्ग सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, उसका जो साउंड होता है वो उसी में जो है ना आप सुनाई दे सकता है आपको। तो ये था कुछ आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।